अस्सलाम वालेकुम। आज जी मैं आपको करवाता हूँ अपना नर्सरी टूर कि हमारे पास कौन कौन से प्लांट्स पड़े हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वेरीगेटेड जेड है, उसके बाद ये अगेव पड़े हुए हैं, और ये जो टोपेरीज पड़ी हुई हैं ये थाईलैंड की हैं इंपोर्टेड, और ये जो बाकी पड़े हुए हैं ये चाइना इंपोर्टेड हैं, ये बोनसाई वगैरह जितनी भी पड़ी हुई है। बाकी अब यहाँ पर इंडोर सेटअप है जिसमें ये मोनेस्टेरा पड़े हुए हैं, अरीलिया वेरीगेटेड, ये मोरिया ड्वार्फ की टुपेरी है और इंडोर में फ्लावरिंग करती है, खुशबूदार है, ठीक है, बेहतरीन चीज़ है। ये पड़े हुए हैं, नाम ही भूल गया, सिंगोनियम की वैरायटीज़ पड़ी हुई हैं, और ये फिलोडेंड्रॉन है। उसके बाद ये दारचीनी के पौधे पड़े हुए हैं, दारचीनी, ओरिजिनल दारचीनी जिसे बोलते हैं वो वाली है। ये कुछ मनी प्लांट्स पड़े हुए हैं, वो पीछे जो आपको नज़र आ रही है वो कैक्टस है, सिंगो और सिंगोनियम की ये वाली वैरायटी पड़ी हुई है, वाइट मोनेस्टेरा, ये हाइबिस्कस की ताइवान इंपोर्टेड वैरायटीज पड़ी हुई हैं। देखे ना, ये वाली और है, ये और है, उसके बाद एक वो फ्लावर निकला हुआ वो और वैरायटी है। तो ये फिलोडेंड्रॉन बड़े साइज में पड़ी हुई है, ये सेफालुटस ड्यून पाम है, ये बहुत ही रेयर चीज़ है। और उसके बाद ये ड्रैको के पौधे पड़े हुए हैं, ये पड़ी हुई है, अल्लाह करे तो इसका नाम भी भूल ही गया, ये क्रिस्टेट है, ये कंगी पाम का क्रिस्टेट पड़ा हुआ है, साइकस पाम का, ये भी ड्यून पाम है, और ये ड्रैको की वैरायटी है, ये ड्रैको ट्री है, ये वेरीगेटेड चंप का मचीलिया पड़ी हुई है, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और खुशबूदार है, बहुत खुशबूदार है, ये दरख्तों में सबसे ज़्यादा खुशबू वाला दरख्त है। ये ब्लीडिंग हार्ट वाइट के पौधे पड़े हुए हैं, ये शफलेरा वेरीगेटेड, और वो कॉर्न लीफ येलो वाली, ये फर्न पड़ी हुई है, ये भी वेरीगेटेड है, ये वेरीगेटेड पड़ा हुआ है जट्रूफा, इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं आउटडोर भी। ये फाइकस वेरीगेटेड है, ये है ब्रासिया ड्वार्फ, और ये बर्ड ऑफ पैराडाइज है, ऑरेंज वैरायटी, ये टिश्यू कल्चर वैरायटी है। ये है यूका शावर ब्लू मून या ब्लू बेबी भी इसे बोलते हैं, ये सर्दियों में कलर चेंज कर लेगा। ये वाइट बर्ड ऑफ पैराडाइज पड़े हुए बड़े बड़े प्लांट्स, ये आईवी की वैरायटी पड़ी हुई है, ये कलर चेंज करती रहती है अपने, ये वस्टेरिया वाइट है, इसकी फ्लावरिंग की गारंटी है, ये इसलिए थोड़ी सी एक्सपेंसिव वैरायटी है, फ्लावरिंग कर जाएगी। ये पड़े हुए हैं जी अवाकाडो, और एक और रियर पाम दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, ये हमारे पास वेरीगेटेड पाम पड़ा हुआ है, फुनेक्स पाम, ये बहुत रेयर चीज़ है और बहुत ही खूबसूरत है, ख़रीदने का नाम ना लीजिएगा, महंगी है। ये पड़ी हुई है पैशन फ्रूट, ये एक तो है येलो फ्लावर वाली और दूसरा फ्रूटिंग की इस पर गारंटी है भाई, ये पिंक ब्लीडिंग हार्ट है, और
यहाँ मेरे पास तकरीबन 20 किस्म की बेलें पड़ी हुई हैं, डिफरेंट गोल्डन शावर है। ये इतनी ज़्यादा गहरी हो गई थी, अब इसकी कटिंग की है, ट्रिमिंग करके ना फिर इसको सिंगल सिंगल डंडा किया है, क्योंकि हम चीज़ों को डबल बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम सारी चीज़ों को सिंगल कर देते हैं, खुद भी बाकियों को भी। ये झुमका बेल डबल है, रंगून क्रीपर खुशबू वाली फ्रेग्रेंट वैरायटी के पौधे पड़े हुए हैं। खैर ये हमारी छोटी सी कलेक्शन थी, ये पड़ी हुई है चॉकलेट बेल, इस पर भी फ्रूटिंग होती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आफ्ताब लियाकत, AGP नर्सी फार्म, पत्तों की से, अल्लाह हाफिज़।